हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंक्लूसिव स्टडी सेंटर। इस वीडियो में आपके सामने यूपीएससी प्री की जो कट ऑफ है कितनी जा सकती है इसके बारे में डिस्कस करूंगा। इसके साथ साथ यूपीएससी सिविल सर्विस का जो प्री का रिजल्ट है वो कब तक आएगा इसके बारे में बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर आपको मेरा इनिशिएटिव अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है इंक्लूसिव स्टडी सेंटर। किसी भी गवर्नमेंट जॉब की लेटेस्ट अपडेट के लिए आप इससे जुड़ सकते हो। अगर आपको मुझसे कुछ पूछना है तो मेरा लिंक है बायो में @राजकुमार14। अब बात करते हैं कट ऑफ के ऊपर। देखो, मैंने आपको पिछला वीडियो बनाया था उसमें मैंने 2022 के बारे में बताया था कि ऑन एन एवरेज कितने क्वेश्चन रॉन्ग हुए थे पिछले वीडियो में, और मैंने कहा था 2023 का लेके आऊँगा। तो ये 2023 का है कि 2023 में किस कोचिंग से कितने क्वेश्चन गलत हुए थे जब उन्होंने आंसर की डाली थी। तो आप यहाँ देख सकते हो, ये सेट वन है और ये यूपीएससी की आंसर की है, और उसमें ये वाजीराव की आंसर की है, और ये यूपीएससी प्रेप और ये दृष्टि का है और ये इनसेट का है। आप इस यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि ऑन एन एवरेज कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। वाजीराव से 14 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, और हम बात करें दृष्टि से वहाँ से 13 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। इनसेट का पे ध्यान देख सकते हो, इनसेट से 10 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। तो ये मैं आपको ऑन एन एवरेज पता चल गया है। अगर हम ये भी मान के चलें कि 10 क्वेश्चन इनकी तरफ से रॉन्ग हो रहे हैं तो कट ऑफ कितना जा सकता है। अगर आपका मान लीजिए, जैसे वाजीराव एंड रवि का हम मानते हैं, वाजीराव एंड रवि की आंसर की से आपके 80 नंबर आ रहे हैं, और 10 क्वेश्चन हम एवरेज मानते हैं गलत। ये 2023 का लेटेस्ट है, मैं आपको वो बता रहा हूँ, क्योंकि उस समय से ही आपका पेपर का पैटर्न चेंज हुआ है। तो अगर आपके 10 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए, उसके 20 नंबर ऐड हो गए, तो आप देख सकते हो आपके 100 नंबर बढ़ गए। अगर आपके 80 मार्क्स आ रहे हैं तो बाजीराव एंड रवि से, तो आप देख सकते हो आपके 100 मार्क्स हो जाएंगे ऑटोमेटिक। क्योंकि ये कुछ क्वेश्चन तो गलत देते, कुछ क्वेश्चन को जो आंसर है वो गलत देते ही देते हैं। तो ये मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी, आप उस हिसाब से देख लेना। जहाँ तक आई बात है प्रीवियस ईयर कट ऑफ की, प्रीवियस ईयर कट ऑफ के बारे में आप देख सकते हो, कट ऑफ यहाँ पे 2023 का दे रखा है, 2022 का दे रखा है, 2021 का दे रखा है, और 2020 का दे रखा है, और भी और 2019 का दे रखा है। आप इस यहाँ पे देख सकते हो किस कैटेगरी में आप आते हो, पॉज करके आप देख लेना। हालांकि 2023 में सी सेट भी टफ आया था, लेकिन 2024 में सी सेट इतना भी आसान नहीं आया है, ये भी आप ध्यान रख लेना। तो थोड़ा सा हम ये मान के चले 22-23 जैसा सी सेट गया है, और जनरल स्टडी का पेपर भी इसी तरीके का आया है। तो अगर आपकी कट ऑफ 85 के आसपास कर जाती है तो आप समझ लीजिए कि आपको कितने क्वेश्चन सही करने होंगे। अगर आपके 75 के आसपास कर क्वेश्चन सही हो रहे हैं वाजीराव एंड रवि से, और 10 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज हम मान लें कि गलत आंसर दिए हैं, तो आपके 95 हो गए। तो आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हो तो किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं। अगर आपके 80 मार्क्स आ रहे हैं तो 100% आपका प्री पास हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक गाइस बात रिजल्ट की है, रिजल्ट आपका इस महीने के एंड तक आपको देखने को मिल जाएगा। 30 तारीख से पहले पहले आपका रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा, 30 जून से पहले। तो ये मैंने आपको सारी अपडेट बता दी है। प्लीज़ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। धन्यवाद गाइस, नमस्कार।